ग्वालियर में शादी समारोह से लौट रहे एक युवक की घर में कुछ ही दूरी पर गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। आरोपी रिश्ते में भाई लगता और हत्या की वजह शादी समारोह में किसी बात को लेकर आपस में हुआ विवाद बताया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात थाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर गाँव में रहने वाले नरोत्तम गुर्जर नामक युवक के घर से कुछ ही दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप नरोत्तम की बुआ के लड़के लौकी उर्फ लोकेन्द्र घुरैया पर लगा है। मृतक कर आरोपी दोनों ही दुल्लपुर गांव के रहने वाले हैं और पड़ोसी हैं। बताया गया कि नरोत्तम और लोकेंद्र गांव के कुछ लोगों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम में मौजूद समाज के लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया, लेकिन जब दोनों घर लौट रहे थे तभी घर से कुछ ही दूरी पर एक बार फिर दोनों आपस में उलझ गए। इस दौरान लोकेंद्र के पास 315 बोर की बंदूक थी। तैश में आकर लोकेंद्र ने नरोत्तम को गोली मार दी और भाग निकला। गोली लगते ही नरोत्तम जमीन पर गिर गया। परिजन व गांव वालों ने बेहोशी की हालत में लहूलुहान नरोत्तम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नब्ज टटोलते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर और अस्पताल में दोनों स्थानों पर पहुंच गई। पुलिस ने नरोत्तम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी लौकी उर्फ लोकेंद्र घुरैया के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ये ताटीपुर थाना क्षेत्र में कल रात एक फायरिंग का रिपोर्ट आया था। दो पक्षों में पड़ोसी है, गुर्जर कम्युनिटी के लोग है, वो आपस में शादी में विवाद हो गया था और एक व्यक्ति एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर फायर किया, उसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मृतक का नाम नरोत्तम घुरैया है और उसमें गले में गोली लगा था, उसको हॉस्पिटल ले गया था बट हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया था। इस मामले को लेके थोड़ा सा टेंशन था, स्पॉट पुलिस ने डिप्लॉयमेंट हुआ था और रात में ही वो मामले को लेके FIR दर्ज हुआ था। ये फरियादी पक्ष के जो शिकायत के अनुसार वो जो लिखित में जो दे दिया उसमें 10 लोग आरोपी पक्ष के रूप में लिखा है, उसके अनुसार FIR दर्ज हुआ है। वो जो घटना में प्रयुक्त राइफल 315 बोर की वो भी जब्त हो गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। अभी 10 में से 2 आरोपियों को राउंड अप किया है, बाकी की तलाश जारी है। ये लाइसेंस राइफल है, वो किसके नाम पे है वो सारे जांच के विषय है। अभी जांच अभी प्राइमरी स्टेज पे है, बॉडी अभी पोस्टमार्टम करके ले आ रहे हैं, बाकी कार्रवाई तरीके से। भाई भाई आपस में और लोगों ने ये आपस में रिश्तेदार है, पोस्ट रिश्तेदार है, एग्जैक्ट रिलेशन देखना पड़ेगा। पड़ोसी भी है, आमने सामने रहते हैं।